हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक है कि आप अपना प्रोजेक्ट एक डेटा साइंस इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑनेस्टली ये एक बहुत पॉपुलर रिक्वेस्ट है। आप लोगों की साइट से मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स में लोगों ने ये बोला कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो का गोल है कि मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा डेटा साइंस प्रोजेक्ट है तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है एक इंटरव्यू के अंदर, सो दैट आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए, वॉट नॉट टू डू। और थर्ड पार्ट में फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है डेटा साइंस इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो देखो, मैं आपको एक बार सिनेरियो समझाता हूँ। अगर आपने कभी भी एटलीस्ट एक इंटरव्यू भी दिया होगा तो आपको शायद ये बात पता होगी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। जैसे ही आप अपने बारे में कुछ बताते हो उसके ठीक बाद जो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 99% इंटरव्यूज़ में, वो होता है कि टेल मी अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव रिसेंटली डन। आप अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ जो आपको लगता है सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। अब सिंस ये क्वेश्चन एकदम शुरुआत में पूछा जा रहा है तो ये एक तरीके से कैंडिडेट के लिए एडवांटेज का काम करता है। मैंने देखा है बहुत स्मार्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि पूरा का पूरा इंटरव्यू को ही वो मैनिपुलेट कर देते हैं। पूरे इंटरव्यू में वो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो अपने वीक पॉइंट्स को अवॉइड करते हैं। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंस ये पहला क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे इंटरव्यू को एक शेप देता है। ठीक है, एक पाथ देता है। एक बहुत स्मार्ट इंटरव्यूई जो होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो क्या करेगा, उसको अपने हिसाब से शेप करेगा, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से शेप करेगा और अपने वीकनेसेस को छुपा सकता है। सो एसेंशियली वो जो इंग्लिश में टर्म है द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये क्वेश्चन काइंड ऑफ मेक और ब्रेक क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए। क्यों? मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है कि पहले 15 मिनट में ही इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है कि इस बंदे को हायर करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद का जो पूरा इंटरव्यू है वो अपने वैलिडेशन को चेक करता है कि मैंने जो पहले 15 मिनट में सोचा था क्या वो सही है कि नहीं। इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही से दिखा दिया, प्रोजेक्ट को अगर आपने सही से एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो सामने वाले के दिमाग में एक अच्छा बन जाएगा और फिर आगे का इंटरव्यू आपके लिए इजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रीजन नंबर 2। एंड रीजन नंबर 3 इज कि ये जो क्वेश्चन है ना कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, ये नॉट ओनली आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज बताता है बट ऑल्सो इंटरव्यूअर को ये भी बताता है कि एज एन एम्प्लॉय आप किस तरीके से काम करते हो। आपका पर्सनालिटी वाला साइड भी निकल के आता है कि आपने टीम में कैसे काम किया, आपने डिफ़िकल्टीज को कैसे हैंडल किया, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी एक प्रोजेक्ट में, ये सब कुछ निकल के आता है। सो बेसिकली 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में मुझे आपकी स्टोरी थोड़ी सी समझ में आने लग जाती है जो एज एन इंटरव्यूअर मुझे बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपको इसका आंसर सही से देना पड़ता है। सो अब मूव करते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं प्रिसाइजली 4 गलतियों के बारे में बात करूंगा जो मुझे दिखाई देता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मिस्टेक। आपको कभी भी अपने इंटरव्यू में इररेलेवेंट प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाने चाहिए। सो सबसे पहले मेरा अजम्पशन ये है कि अगर आप डेटा साइंस इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए,
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए एंड प्रेफरेबली अलग अलग डोमेन में. मशीन लर्निंग का हो गया, टाइम सीरीज का हो गया, NLP, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, इन सब के प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए. ठीक है. अब स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि वो जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड रिसर्च किए बिना कोई भी प्रोजेक्ट इंटरव्यू में बोलने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करना चाहिए अबाउट द कंपनी कि वो कौन से डोमेन में काम कर रही है. आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए टू फाइंड आउट कौन सी चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा काम कराया जाएगा, और फिर उसके हिसाब से यू हैव टू सेलेक्ट वन प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होगा इस इंटरव्यू में. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आप एक NLP जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो बहुत ऑब्वियस बात है कि आपको NLP रिलेटेड प्रोजेक्ट ही बताना है इंटरव्यू में. अगर आप वहाँ पे कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने लग जाओ तो दैट वुड बी अ बैड स्ट्रैटेजी, बिकॉज सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा. और इवन इफ आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा ना हो. तो कहने की बात दो है यहाँ पे. पहला, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए मल्टीपल डोमेन्स में इफ पॉसिबल, अगर आपके पास टाइम है. और सेकेंड, उनमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट है, जो सबसे रेलेवेंट प्रोजेक्ट है, उसको चूज करके आपको इंटरव्यू में उसके बारे में बोलना चाहिए. सो ये पहली गलती. मिस्टेक नंबर टू, कॉपीइंग द प्रोजेक्ट. बहुत लोग क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स को लाइन बाय लाइन कॉपी कर लेते हैं गिटहब से या फिर यूट्यूब से, और फिर इंटरव्यू में जब वो बैठते हैं तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आंसर नहीं कर पाते बिकॉज उन्होंने प्रोजेक्ट को कॉपी कर रखा होता है. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इंटरव्यूज ले रखे हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि एज एन इंटरव्यूअर आपके अंदर क्या फीलिंग आती है. आप तुरंत डिसाइड कर लेते हो कि इसको तो हायर नहीं करेंगे, इसने प्रोजेक्ट कॉपी किया है. उसके बाद आप भले ही सारे क्वेश्चंस के भी आंसर कर दो, इट इज़ वेरी हार्ड टू जस्टिफाई जो आपने कॉपी किया उसको. ठीक है. तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि भले ही आप सीखते टाइम सामने वाले का कोड कॉपी कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको समझो, अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करो, मैनिपुलेट करो, चेंज करो, और फिर उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो. सबसे वर्स्ट चीज़ जो आपके इंटरव्यू में हो सकती है वो ये है कि लोग आपको चीटर समझें, और फिर उसके बाद आपका रेपुटेशन कुछ भी नहीं रहेगा और आपकी हायरिंग बिल्कुल नहीं होगी. तो प्रोजेक्ट कॉपी करना सीखने के टाइम चलेगा, दिखाने के टाइम नहीं चलेगा. सो बी अल्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस. मिस्टेक नंबर थ्री, आप जो प्रोजेक्ट दिखाते हो वो बहुत ही अन इंटरेस्टिंग और ट्रिवियल होता है. ठीक है. जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है और आप मुझे पलट के बोल रहे हो कि आपने एमनिस्ट डेटा सेट यूज़ करके एक हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजर बनाया है, नाउ दिस इज़ अ बोरिंग प्रोजेक्ट फॉर मी ऑनेस्टली, बिकॉज हर कोई इस डेटा सेट के ऊपर काम कर चुका है, और अगर आपने भी सेम डेटा सेट के ऊपर काम किया है तो आप भीड़ से अलग नहीं हो. ठीक है. सो आपको थोड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टाइटल्स रखने होंगे. ठीक है. उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर क्यूरियस हो जाता है कि आपने वो प्रोजेक्ट बनाया कैसे, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. अगर आपका प्रोजेक्ट एकदम ही ट्रिवियल है जो सभी बना सकते हैं, जैसे कि मूवी रिकमेंडर सिस्टम हुआ या एमनेस्ट वाला डेटा सेट हुआ या हार्ट रेट हार्ट डिजीज वाला जो डेटा सेट है इसके ऊपर अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सभी ने काम कर रखा है और कुछ नया नहीं है सुनने के लिए. तो एज एन इंटरव्यूअर आई वुड नॉट गिव यू इनफ टाइम टू एक्सप्लेन वॉट यू हैव लर्न्ड. सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, मूवी रिकमेंडर सिस्टम, एमनेस्ट, इनको आपको यूज़ तो करना है, सीखने के टाइम आपको बनाना तो है, बट आपको दिखाते टाइम कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे. ठीक है. अदरवाइज आपको इनफ टाइम नहीं दिया जाएगा टू एक्सप्लेन योर लर्निंग्स. द लास्ट मिस्टेक इज बींग अंडर कॉन्फिडेंट. ठीक है. सो मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, बट समहाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, और काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से. अब इससे क्या होगा कि 2 मिनट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अगर आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट्स चाहिए. अगर आप 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहे हो तो दैट विल लीव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर, और उसको लगेगा कि आपका सॉफ्ट स्किल वाला साइड उतना अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो समझ ही ना पाए कि आपने प्रोजेक्ट में किया क्या है.
तो ये चार मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सही तरीके से इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। चलो गाइस, अब फाइनली डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, सो प्रिसाइजली मेरे हिसाब से इट शुड बी अ 3-स्टेप प्रोसेस। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया। वाई शुड बी क्लियर, ठीक है, ताकि सामने वाला स्टोरी से कनेक्ट हो पाए। इन द सेकेंड पार्ट आपको प्रोजेक्ट का जो पूरा फ्लो है वो एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से, कि आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। ठीक है, और इन द थर्ड स्टेप आपको ये बताना है कि आप उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम क्या क्या सीखे, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और इवेंचुअली उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या था। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरी चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझे इंटरव्यू देना है, और मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मैंने एक चैटबॉट बनाया है जहाँ पर कोई भी अगर क्रिकेट रिलेटेड क्वेरी पूछेगा तो मेरा चैटबॉट पलट करके रिप्लाई करेगा। वन एग्जाम्पल इज दिस कि आप उस चैटबॉट के पास गए और आपने पूछा कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितने रन्स बनाए हैं, तो मेरा चैटबॉट क्या कर सकता है कि वो कॉन्टेक्स्ट समझ करके डेटा एनालिटिकल क्वेरी रन करके मेरे डेटाबेस के अंदर से यूज़र को रिजल्ट दिखा सकता है। आपने शायद इस तरह के चैटबॉट्स देखे भी होंगे कहीं पर, बट दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हो, सो दैट आपको एक आइडिया मिल पाए। सो अगर इंटरव्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सो टेल मी अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट यू डिड रिसेंटली, तो दिस इज हाउ आई विल आंसर। आई विल से कि सो सर, आई हैव बिल्ट अ चैटबॉट सिस्टम फॉर अ क्रिकेटिंग वेबसाइट दैट कैन आंसर एनी काइंड ऑफ यूजर क्वेरी रिलेटेड टू क्रिकेट। सो अगर आप उस चैटबॉट से पूछ रहे हो कि किस टीम ने क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स जीते हैं, तो मेरा चैटबॉट कैन आंसर दैट। अगर आप पूछो कि लास्ट 2 ईयर्स में सबसे अच्छा बॉलर कौन है, माई चैटबॉट कैन आंसर दैट। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चंस जो यूज़र्स पूछेगा रिलेटेड टू क्रिकेट, मेरा जो चैटबॉट है वो उसको आंसर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट आपने एक समरी दे दिया अपने प्रोजेक्ट का, और सिंस ये प्रोजेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो सामने वाले को थोड़ा क्यूरियोसिटी हो सकता है कि ओके अच्छा है कैसे बनाया। सो यहाँ से अब आपको क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको बताना है कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स हैं, या तो हो सकता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड डेटा साइंटिस्ट हो जो पिछली कंपनी से काम करके आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक फ्रेशर हो जो खुद से प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स में आंसर कैसे करोगे, वाई का वो मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आप एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट हो जिसने पास्ट कंपनी में ये प्रोजेक्ट बनाया, तो आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय कंपनी, वहाँ पर हमने नोटिस किया कि यूज़र्स काफ़ी क्वेश्चंस पूछते थे इस तरीके के कि किस प्लेयर के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड है, या फिर इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे किसी टीम का क्या रिकॉर्ड है। और इनिशियली हमारा प्रोसेस ये था कि हम उन क्वेश्चंस को लेते थे और हम उनको अपने डेटा एनालिस्ट लोगों को देते थे, वहाँ से आंसर उठा के हम वापस वेबसाइट पर डिस्प्ले करते थे। ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसेस मैनुअल था जिसमें थोड़ा टाइम लगता था, और ऑब्वियसली यूज़र्स उतने सेटिस्फाइड नहीं थे इस पूरे प्रोसेस से। सो दैट्स व्हेन आर टीम डिसाइडेड कि हम इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ चैटबॉट। हम एक चैटबॉट प्लगइन ऐड कर देंगे हमारी वेबसाइट में, जहाँ पर यूज़र को अगर कभी भी कुछ भी क्वेरी पूछना है वो उस चैटबॉट में टाइप करेगा और उसको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा वाई है जहाँ पर आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो क्यों यूज़फुल है, वो कंपनी को क्यों फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये हो गया एक्सपीरियंस लोगों का पर्सपेक्टिव। नाउ अगर आप एक फ्रेशर हो जो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, बट उसने खुद से इंडिपेंडेंटली ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपका आंसर मोस्टली इस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए कि वो आपका इंटरेस्ट एरिया है। सो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप कुछ इस तरीके से आंसर करोगे कि आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, और आई यूज़ टू गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड क्रिक इन्फो और क्रिक बस, और वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि लोग इस तरह की क्वेरीज कर रहे हैं और वो लोग मैन्युअली रिप्लाई कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा डीले है।
नाउ दैट मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मुझे NLP का भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे यहाँ पर एक स्कोप दिखाई दिया एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का। दैट्स वाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो इन दोनों ही एक्सप्लेनेशंस में क्या हो रहा है कि आपके सामने जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग का जो वाई है वो क्लियर हो जा रहा है और वो तुरंत आपकी स्टोरी से कनेक्ट कर जाएगा और आपका आगे का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा ईजी होने लग जाएगा। सो अगर आपने यहाँ तक अपने प्रोजेक्ट को सही से प्रेजेंट किया है तो बहुत नेचुरल है कि जो अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो यही होगा कि कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ दिस एंटायर प्रोजेक्ट वर्क्स। अब यही वो क्वेश्चन है जहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़ी गलतियाँ करने लगते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है कि आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट इंटरव्यूअर के सामने रखना चाहिए। सो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर करूँगा कि लेट मी फर्स्ट टेल यू द एंटायर फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे वेबसाइट के प्लगइन में यूज़र अपना क्वेरी टाइप करता है जो कि इंग्लिश में होता है। हम उस क्वेरी को उठाते हैं, हमारे बैकएंड सर्विस पे भेजते हैं जो कि एक फ्लास्क एप्लीकेशन है। वो फ्लास्क एप्लीकेशन क्या करता है कि उसके अंदर से, उस क्वेरी के अंदर से एंटिटीज़ और इंटेंट एक्सट्रैक्ट करता है और फिर एक क्वेरी फॉर्म करता है जो एक दूसरे API को हिट करता है। वो API में हम क्या करते हैं कि हम हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करके रखते हैं और उस डेटाबेस के ऊपर हम उस क्वेरी को रन करते हैं। उससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम वापस हमारे बैकएंड की तरफ लेके आते हैं और बैकएंड से वो रिजल्ट हम वापस हमारे फ्रंट एंड यानी कि वेबसाइट पे ले जाते हैं और यूज़र को डिस्प्ले करते हैं। तो या तो आप इसको ओरली बोल सकते हो इस पूरे फ्लो चार्ट को, या फिर अगर आपके पास एक पेन पेपर है तो आप उस पेन पेपर पे बहुत कॉन्फिडेंटली इस पूरे फ्लो चार्ट को ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज स्टेप वन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है तो आपको पहले एक हाई लेवल ओवरव्यू देना है, एक फ्लो चार्ट दिखाना है कि पूरा प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जब आपने फ्लो चार्ट दिखा दिया तो फिर आपको डिटेल्स में घुसना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से आंसर करूंगा। सो नाउ लेट मी टेल यू द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप। यहां पर आप तीन चीजों के बारे में मोस्टली बात करोगे। पहला, सिंस इट इज अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट यू हैव टू टॉक अबाउट डेटा, आप डेटा कहाँ से लेके आए जिसके ऊपर आपने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। सेकेंड, यू हैव टू टॉक अबाउट योर अप्रोच, आपने उस पूरी चीज़ को बनाया कैसे, आपने कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ किए, किस तरह का फीचर इंजीनियरिंग किया, ये सारी चीज़ें आप अप्रोच में बताते हो। एंड इन द लास्ट पार्ट आप ये बताते हो कि आपने फाइनली उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया, आपका यूज़र उसको यूज़ कैसे कर पा रहा है। ठीक है, तो लाइक आई वुड फर्स्ट टॉक अबाउट द डेटा पार्ट। सो आई वुड से कि इनिशियली हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था और हमारे पास कोई APIs भी नहीं थी। सो हमने क्या किया कि हमने डेटा स्क्रेप किया मल्टीपल वेबसाइट से। ऑब्वियसली डेटा स्क्रेप करने में बहुत सारा डेटा करप्ट था, बहुत सारी डेटा वैल्यूज़ मिसिंग थी, हमें उसके ऊपर काफ़ी क्लीनिंग करना पड़ा। आप क्लीनिंग वाले स्टेप को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या परेशानियाँ आपको आई हैं, इस स्टेप में आप उसको अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप आप अपना पूरा अप्रोच बताओगे कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस से डेटा आ रहा था तो हमने सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज किया, एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने नोटिस किया कि इस डेटा में कुछ इस तरह की कमी थी तो हमने कुछ नए फीचर्स क्रिएट किए या फिर एग्जिस्टिंग फीचर्स को हमने कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया। उसके बाद आप बताओगे कि आपने किस तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ किए, क्या आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ किए या फिर आपने डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ किए, और अगर आपने मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज़ किए तो आपने कैसे चूज़ किया कौन सा एल्गोरिदम सबसे अच्छा है, आपके मेट्रिक्स क्या थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप इस स्टेप में बताओगे। यहाँ पे आप अपना USP भी बताओगे कि क्यों आपका प्रोजेक्ट काम कर पाया, कौन सी चीज़ थी जो बाकी लोगों से अलग आपने की जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिल पाए। ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड आप काइंड ऑफ ब्योरा इस पर्टिकुलर स्टेप में देते हो। ठीक है,
फिर फाइनली आप लास्ट स्टेप में ये बताते हो कि जब एक बार आपका मॉडल तैयार हो गया या फिर आपका प्रोजेक्ट वॉज रेडी, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने यूज़र के सामने। आपने उसको वेबसाइट का फॉर्म दिया, या फिर आपने उसको क्रोम प्लगइन का फॉर्म दिया, या फिर एंड्रॉयड ऐप का फॉर्म दिया। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में बताओगे। आपने किस तरह से APIs बिल्ड की, आपने उसको किस तरह से सर्वर पे डाला, जो पूरा MLOps वाला पार्ट है वो सब आप यहाँ पे डिस्प्ले मतलब बताओगे, ठीक है। CI/CD पाइपलाइंस हो गए, या फिर आपने हेरोकू पे अपने APIs को डिप्लॉय किया। ये सारा जो डिटेल पार्ट होता है, जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट प्लस जो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो अपने मॉडल को, वो सारा पार्ट आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ कि जब आपसे पूछा जाए कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया, तो आप दो स्टेप्स में इसको आंसर करो। पहले एक हाई लेवल समरी दे दो पूरे प्रोजेक्ट का, कि वो स्टेप बाय स्टेप काम कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तीन पार्ट्स में आप आंसर करने की कोशिश करो। फर्स्ट पार्ट शुड बी डेटा। डेटा मतलब कहाँ से लाए, कैसे लाए, उसमें क्या कमियाँ थी, उन कमियों को आपने कैसे सॉल्व किया। स्टेप टू में आप बताओ कि आपने क्या अप्रोच यूज़ किया, आपने किस तरह का फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ किया, आपने EDA करते टाइम क्या निकाला, आपने कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ किए, आपने कैसे सेलेक्ट किया कौन सा एल्गोरिदम का रिजल्ट सबसे अच्छा है, आपके मेट्रिक्स क्या हैं, ये सब आप इस स्टेप में बताओ। और फाइनली लास्ट अप्रोच में आप बात करो डिप्लॉयमेंट का, और प्रोडक्ट में आपने कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है, कौन से सर्वर्स यूज़ किए, कैसे APIs में कन्वर्ट किया, फ्लास्क यूज़ किया, स्ट्रीमलेट यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आप थर्ड वाले स्टेप में बताओ, ठीक है। तो ये अगर आप सही तरीके से बता पाए, तो सामने वाले के सामने ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है। एक बार अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को सही से एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके बाद आप चार और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हो। पहला, इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा, चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड। तीसरा, थिंग्स दैट यू लर्न्ड। और चौथा, इम्प्रूवमेंट्स दैट यू कैन डू, ठीक है। तो एक एक करके इन चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना एकदम मैंडेटरी है कि आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। सो लेट्स से आप ये बोल सकते हो कि आपके इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो कस्टमर रिटेंशन था वेबसाइट पे, वो 20% से इम्प्रूव कर गया, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फीडबैक था वो 10% से इम्प्रूव कर गया। बेसिकली आपको नंबर्स बताने होते हैं इस स्टेप में, आपको क्वांटिफाई करना होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसने किस तरीके से आपकी कंपनी को हेल्प किया, और जितने आप एक्यूरेट नंबर्स बता पाओगे उतना अच्छा है। ऑब्वियसली इम्पैक्ट की बात तभी एप्लीकेबल है अगर आप किसी कंपनी में ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, और अगर आपने खुद से हॉबी लेवल पे ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आप इम्पैक्ट मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द मीन्स। पॉइंट नंबर टू, चैलेंजेस के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लाइकली अगर आपने यहाँ तक सब कुछ सही से बोला है, तो आपका इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि टेल मी वॉट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड। अब चैलेंजेस में आप दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। आप बता सकते हो कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में टेक्निकलिटी वाइज सबसे डिफिकल्ट काम आपको क्या करना पड़ा, क्या चीज़ें सीखनी पड़ी, किस तरीके से उन चीज़ों को अप्लाई करने में परेशानी हुई, ये सब कुछ आप बता सकते हो। साथ ही साथ आप अपना नॉन टेक्निकल साइड भी प्रेजेंट कर सकते हो कि किस तरीके से एक शॉर्ट नोटिस पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, किस तरीके से आपने मल्टीपल टीम्स को सेम पेज पे ला करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कॉस्ट्स, कि किस तरीके से आपने कॉस्ट बचाया मल्टीपल सर्वर्स से। इस तरह की कहानी आप अपने इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हो, ताकि वो और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए आपके इस प्रोजेक्ट स्टोरी के साथ। पॉइंट नंबर थ्री है थिंग्स दैट यू हैव लर्न्ड। अगर इंटरव्यूअर ये ना भी पूछे, तो आपको खुद से एक इनिशिएटिव लेके ये बताना चाहिए कि आफ्टर डूइंग दिस प्रोजेक्ट इट वॉज अ बिग थिंक फॉर माई करियर, बिकॉज आई लर्न्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स इन दिस प्रोजेक्ट। और फिर आप कुछ चीज़ें बताओ, जैसे आपने पहले कभी NLP बेस्ड चैटबॉट्स नहीं बनाए थे, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आपने एक एंटरप्राइज लेवल चैटबॉट बनाया। आपने पहले कभी डिप्लॉयमेंट्स खुद हैंडल नहीं किए थे, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब आपने एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया। हम लोग कॉस्ट कटिंग में बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे, तो मैंने सीखा कि किस तरीके से एक लिमिटेड बजट में आप एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को खड़ा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत खुल के
कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू मेक। ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट एक बार बनने के बाद रुकता नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। तो देर इज़ अ गुड चांस कि आपका इंटरव्यूअर लास्ट में आपसे पूछ ले, तो प्रोजेक्ट तो बढ़िया है, कैन यू टेल मी व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स दैट यू आर प्लानिंग टू डू। तो इसमें जैसे अब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर लैंग्वेजेस। इस पॉइंट पे हम सिर्फ इंग्लिश में क्वेरीज रिसीव कर रहे हैं, बट वी आर प्लानिंग कि हम हिंदी में भी क्वेरीज को रिसीव कर पाएँ। अभी इस पॉइंट पे हम सिर्फ IPL रिलेटेड डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, बट वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन ऑल द क्रिकेट डेटा, या फिर आप बोल सकते हो कि हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो कुछ भी आपको बताना होगा कि आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे देखते हो, व्हाट इज़ योर विजन। तो इससे समझ में आएगा कि आप कितने एंटरप्राइजिंग हो। एंड लास्टली गाइज, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क तो बता ही दिया कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। अब देखो, कोई भी दो इंटरव्यू सेम नहीं होते, कोई भी दो इंटरव्यूअर सेम नहीं होते हैं, तो लोगों का इंटरव्यू लेने का स्टाइल भी अलग अलग होता है। यू हैव टू एक्सपेक्ट कि बीच में आपसे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे, बट अगर आपने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है तो आप उन क्रॉस क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। मतलब बहुत सिंपली पूछा जा सकता है कि ये एल्गोरिदम यूज़ ना करके आपने ये एल्गोरिदम क्यों यूज़ किया, आपने ये मेट्रिक क्यों चूज़ किया, आपने API क्यों बनाया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो वॉज टू गिव यू अ मेंटल फ्रेमवर्क कि आप सोचते कैसे हो वाइल डिस्क्राइबिंग योर प्रोजेक्ट, वो मेरा गोल था। आई होप मैं आपके सामने वो पूरी चीज़ रख पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।